ताजा लोकेशन देंगे रात की दो गुलदारों की भी। अच्छा। काफी गुलदार हैं जी, है कुछ कम नहीं हो रहा, गुलदार तो अभी दिखाई दे रहे हैं, कल दो तीन जगह दिखाई दिए हैं। रात ही कोठरी पे था हमारे उसकी कुएं की, जो हमारे गांव की ब्याल बंद रहते हैं, शाम के टाइम ब्याल पे झपटा मारा उसने, फिर हम गन्ने खेत में गए, टीम भी आई, इतना निकल गया है वह तो कम था, इसका यूज तो पता नहीं चल रहा कि कहीं और से ला के ला ला के यहीं दिखा रहे होंगे। देखो गुलदार को लेकर ओपिनियन ये है कि जो इस रोड से गुजरने वाले ग्रामीण है वे अपनी जान हथेली पर रख कर गुजरते हैं, क्योंकि अगर कहीं से बैकअप भी आएगा तो ह्यूमन लाइफ कितना, 30 सेकंड, जी जी जी, 30 सेकंड या एक मिनट के अंदर कोई बैकअप नहीं आ सकता, केवल अपना जीवन रिस्क पर लेकर चलता है इस रोड पर ग्रामीण। नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का गाँव है जलालपुर भूड, जहाँ पर हम मौजूद हैं। एक पिंजरा यहाँ पर लगा हुआ है गुलदार को पकड़ने के लिए, और एक गुलदार आज पकड़ा गया है जो पिंजरे में कैद हुआ है। कुछ ग्रामीण है अभी हमारे साथ, अभी हम उन्हीं से बातचीत करने वाले हैं, और इस पिंजरे की भी हम आपको हालत दिखाएंगे। क्या नाम जी? आपका? संजीव कुमार नाम है, हम जलालपुर हसना के हैं। अच्छा। हमारा जलालपुर भूड और जलालपुर एक ही है जी, गाँव सारा एक ही है। अच्छा। हमारा कहना है, मंत्री जी से भी हमने यही कहा था, श्री अरुण कुमार चौबे जी से, कि सर आप जो ड्रोन हाई फाई ड्रोन है जो थर्मोसिस वाले आप बेउड़ाए जो बहराइच में उड़े थे। अच्छा। कितने गुलदार हैं वे चिन्हित हो जाएंगे जी। तभी तो हमें पता चलेगा, लोग यूं नहीं कहने के भाई आपने जलालपुर से छोड़ डाले, खैरपुर छोड़ दिया, गोगली छोड़ दिया जी। अब 1000 गुलदार हैं, आपने 100 पकड़े, 900 तो रह गए, तो हमारा यही कहना है कि आप जो चिन्हित कराएं। और जो अभी जो गुलदार पकड़ा गया जी जी, आज पकड़ा गया, एक दिन सल्लापुर में पकड़ा गया अभी पिछले हफ्ते, तो भी और गुलदारों की संभावना जी? गुलदारों की अभी हम आपको वीडियो दिखा देंगे, दो गुलदारों की और भी रात की लोकेशन है। अच्छा। जो एक जई साहब हमारे, उन्होंने लोकेशन दी है, बिल्कुल सटीक देंगे, जो अधिकारी नहीं मानता वो आकर हमसे जलालपुर वाले से मिल ले, हम अभी ताजा लोकेशन देंगे रात की दो गुलदारों की भी। अच्छा। काफी गुलदार हैं जी जी जी, मतलब काफी गुलदार हैं जी। हाँ, ये तो क्षेत्र गुलदार क्षेत्र समझो, रेड जोन इन्होंने घोषित कर दिया, इससे ज्यादा क्या जी जी जी। आप क्या क्या नाम है जी? मेरा नाम अनिल कुमार है। अच्छा, तो खेती किसानी का काम? हाँ, खेती किसानी का काम, सभी लोग इस टाइम जंगल जाने से घबरा रहे हैं। अच्छा। गुलदार गांव को चरतर तारतर मिल रहे हैं, कुछ गुलदार पकड़े भी गए, पर अभी हमारे यहाँ गुलदार संख्या बहुत हो। अभी जैसा आज ये एक गुलदार पकड़ा गया, कुछ भय कम हुआ या उतना ही है? भय कुछ कम नहीं हो रहा, गुलदार तो अभी दिखाई दे रहे हैं, कल दो तीन जगह दिखाई दिए हैं। अच्छा। गुलदार बहुत है ना। अच्छा। कुछ गुलदार पकड़े, कुछ पिंजरे में नहीं आ रहे। अच्छा। हमारे पास में पिंजरा लग रहा है, 3 दिन से गुलदार नहीं आता पिंजरे में। तो जोन सा ये गुलदार पकड़ा गया, ये कहाँ लगा हुआ था पिंजरा? ये गांव के पास में लगाया था, पश्चिम साइड में। अच्छा, तो वो पकड़ा गया, मतलब बच्चा ही था वो या पूरा? वो तो वन विभाग का लोग पता होगा, बच्चा रहा। अच्छा, गांव वालों ने उस टाइम पर जाकर देखा वहाँ जब गुलदार उसमें पिंजरे में कैद था? हाँ, देखा, मैं कुछ लेट गया था उस टाइम, वो गुलदार गाड़ी में चढ़ा लिया था। अच्छा। मैं पहले गया था वहाँ, गुलदार जो हमने देखा है तब उसका खून नहीं निकल रहा था। अच्छा। तो इसलिए लग रहा है कि इन्होंने गुलदार पकड़ा फिर उसका खून निकल गया। अच्छा। उन्हें भाई वीडियो वीडियो मत बनाओ, ये ज्यादा पास जाओगे तो ये घायल हो जाएगा। अच्छा। तो गुलदार तो उन्होंने निश्चित पकड़ा, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो मेहनत करी वो तो सामने है, लेकिन वो बच्चा है जिन्हें हम चाह रहे हैं वो नहीं पकड़ा उन्होंने। वन विभाग की टीम मतलब पूरा अपना काम कर रही है, काम कर रही, लेकिन उन पर कुछ हथियार सौदा देना है नहीं बेचारों को, बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके भी। जी जी जी, आप लोगों के साथ हैं, आपकी सुरक्षा में यहाँ तैनात। हाँ, वो है, वो जितनी मेहनत कर रहे हैं सही बात है, वो हम कह रहे हैं रात में गश्त कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं जी। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? मेरा नाम भूपिंदर सिंह, इसी गाँव के रहने वाले। हाँ जी, यहाँ के रहने वाले, जलालपुर मोड़ के। तो जैसे ये गुलदार तो आपके क्षेत्र में काफी बता रहे हैं संख्या में, काफी देखे जी, पकड़े जाने से कुछ नहीं? हमारे गांव में 4 रास्ते हैं चारों तरफ से, जिधर भी हम जाते हैं हर रास्ते पे गुलदार खड़ा मिलता। अच्छा। हमारे सभी ग्रामवासी जितने भी हैं सबको दिखाई देता। अच्छा। जिस रास्ते से जाएंगे उस पर खड़ा बैठा रहेगा, कभी उधर रहेगा, रात ही कोठरी पे था हमारे उसकी कुएं की, जो हमारे गांव की। अच्छा, जैसे ये यहाँ ये लगाया पिंजरा, एक बार पिंजरे के नजदीक आप दिखाइए, तो यहाँ भी दिखाई दिया था गुलदार जिस वजह से पिंजरा लगाया गया? हाँ जी, यहाँ भी दिखाई दिया था, यहाँ भी दिखाई दिया, यहाँ की पूरी लोकेशन थी। तो इसके अंदर कुछ अभी बंद किया या नहीं किया? देखिए जी, इसमें दिन में तो ये कुछ नहीं करते और रात को ये बकरी का बकरी बांधते हैं इसमें। अच्छा। वो फिर सुबह को ले जाते हैं, शाम को इसमें डाल जाते हैं। हमारा खेत है यहाँ, गुलदार हम देखते हैं, इसीलिए इन्होंने पिंजरा लगाया। अच्छा अच्छा, रात को बकरी बंद कर दी। और बताऊ मैं, ये कह रहे हैं मुसल्लापुर में लगा रखा था जी, गुलदार आया जी, और वो उसका शटर ही नहीं गिरा। अच्छा, वो 293 में पका नहीं गिरा। वो अंदर बढ़ के निकल गया, लेकिन फिर उन्होंने कह रही तो हमारी गलती हो गई, तो उनसे वो हुई, फिर ऐसी चूक ना हो, देख रहे हैं।
तो अभी इसकी तो स्थिति सही दिखाई दे रही है या नहीं, जैसे अगर कोई बढ़ जाए जानवर तो ये बंद हो सकता है या नहीं? अब इन्होंने जो इसे सही कर दिया, इस टाइम के इसमें डालने से इसमें गिर जाएगा वो। अच्छा, ग्रीस उरीस लगा, हाँ ग्रीस लगाया, तेल नहीं लगाया क्योंकि वो बताते हैं तेल लगाने से वो सूंघ ले। अच्छा, तो अब ये गिर जाएगा, अब उन्होंने उस चीज की तो ध्यान रखा। चलो रिपेयर कर दी, मतलब एक ही रास्ता है हमारे यहाँ, बच्चे स्कूल आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो ये बच्चे पढ़ना जाते हैं। देखो जी, ये बच्चों को बहुत खतरा है, हमने कई बार कह दिया इस बच्चे इधर गाड़ी घुमाओ, लेकिन पता नहीं कोई लापरवाही है, स्कूल में भी दिखाई दिया, टीम बनी गई और टीम। तो हम ये चाह रहे हैं कि बच्चों की भी सुरक्षा कुछ करी जाए, ऐसी मतलब स्कूल में भी बच्चों को दिखाई दे, दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बच्चे डर रहे हैं, जाना नहीं चाह रहे। अब बताओ किसान आदमी का क्या क्या करेगा, अपने मतलब इतने काम कैसे कर पाए, बच्चों को भी देखना भाई, उन्हें पहुँचाना, सर उन्हें पहुँचाना है जो अंडे लेकर, और जो पशुओं का भी चारा नहीं है, मतलब बच्चे बाहर भी नहीं सो रहे घर, दोपहर बाद आप कमरे में गर्मी में बंद होकर, ये रोड देखना दोपहर बाद सारी रोड बंद हो जाती है, 5 बजे के बाद कोई आदमी अगर आवाज लगाए तो जंगल में नहीं मिलने का, चाहे गुलदार उसका निवाला बना हुआ कुछ हो, ये स्थिति गांव की है। जी, और किसी भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे वो दिखाई ना दे रहे हो, पूरे क्षेत्र में भय का पूरा पूरा माहौल है, पूरे क्षेत्र में जैसे ये पकड़े जा रहे हैं तो उससे भी भय कम नहीं, नहीं कम क्या होगा साहब, और ज्यादा दिख रहे हैं कितने पकड़ लिया है, इसके पकड़ने के बाद हमें क्या पता चल रहा कहाँ इसे ये छोड़ रहे हैं, क्या चढ़ रहे हैं, कोई टीम ही नहीं बना रहे हैं, कोई 5 आदमी ऐसे चुनित नहीं कर रहे। अभी रेंजर साहब से हमारी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि लखनऊ से जैसा भी आदेश होता वहीं उसको छोड़ा जाएगा। उससे भी देखो ग्रामीणों में आसपास के सारे ही हम कहते हैं अपने क्षेत्र वाले सभी इस चीज को कह रहे हैं कि भाई ये यहाँ से ले जाते हैं दूसरी जगह छोड़ देते हैं, चलो ले जा रहे हैं, लेकिन इसका भी कुछ ये फोटोग्राफी कराएं, उसका दिखा में चिन्हित करें लोग बाग गगू कि हम इसको वहाँ छोड़ रहे हैं, लोग बाग ना घबरा में के इधर के गुलदार पहाड़ पहाड़ के दक्खन वो चीज नहीं है। जो बातें चल रही है कि वहाँ से कुलचाने से उठाया वहाँ छोड़ दिया, मंडावर छोड़ दिया, इस तरह की बातें जो है इसे दूर करी जाए। सर आपका क्या नाम है? मैं रमेश सिंह जी। तो कहाँ से आए हो? मैं दबखेड़ी गांव से आया हूँ। अच्छा, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष नूरपुर। अच्छा, यहाँ हम रिश्तेदारी में आए थे, आप लोगों को देख के यहाँ आ गए हैं, तो गुलदार का बहुत भारी भय है यहाँ। तो गुलदार पर तो आपके संगठन ने तो भी पूरी नजर, हमारे हमारे संगठन ने DFO का भी घेराव करा, चक्का भी जाम करे हमारे संगठन में, और हमारी तो प्रशासन से मांग ये है कि जो पाबंदी इन्होंने लगा रखी इनके मारने पर जी, ये पाबंदी हटाई जावे, ये हमारी मांग तो पहली ये है कि जब तक ये मरने के नहीं है तब तक यहाँ चैन नहीं पड़ने के। इतनी संख्या है गुलदारों की, हर खेत पर गुलदार देखा जा रहा है, किसान खेत पर जाने से परेशान है, अपने अपने बच्चों को पढ़ाने से कतरा रहे हैं स्कूल भेजने से। अच्छा अध्यक्ष जी, जैसे आप यहाँ आए और एक गुलदार भी पकड़ा गया, एक आज यहाँ इस गांव में पकड़ा गया जलालपुर भूड़ में, और पिछले हफ्ते पकड़ा गया था उसमें सल्लापुर, हाँ सल्लापुर पकड़ा, तो इससे क्या ग्रामीण का कुछ भय कम दिखाई दे रहा है? असल बात ये है ग्रामीणों का भय तो जब खत्म होगा जब ग्रामीणों को ये जानकारी हो कि ये छोड़े कहाँ जा रहे हैं। अब जैसी अफवाह फैल रही है कि यहाँ से पकड़ा इधर छोड़ दिया, वहां से पकड़ा उधर छोड़ दिया, तो ऐसा करना चाहिए प्रशासन को, शासन को, कि इसकी कोई जहां उतार रहे उनकी की फोटोग्राफी भेज जाए, या हिस्से गांव वालों को एक दो को साथ ले जाकर उन्हें कम से कम हमारे ग्रामीणों को भरोसा तो हो कि भाई ये वो उधर छोड़ रहे हैं। अब किसी को साथ नहीं ले जाते, जैसे अभी रात पकड़ा गया, चंद आदमियों को दिखाया गया और वो ले गए, उसे कोई छोटा बच्चा था जी, तो अब जो बड़े गुलदार हैं वे तो अभी हिस्स से कोई गया ही ना, अभी मतलब जो कैद हुआ आज पिंजरे में वो बच्चा था छोटा, वो तो ये तो छोटा बच्चा, उसका जो फोटो है हम आपको दिखा देंगे, वो गुलदार जो लगता है कि वो तो साल 6 महीने 2 साल का भी नहीं है, बहुत छोटा गुलदार है, जो अभी बड़े हैं वो मतलब वो तो मौजूद, हाँ वो तो इतने तकड़े चेहरे के हैं, जब पकड़ा जाएगा प्रशासन के भी होश खराब हो जाएंगे, उसमें बहुत भयंकर गुलदार है। 20 मिनट खड़ा रहे आपके कुएं पे? नहीं, हमारे गांव का कुआ है। अच्छा, हाँ। यही डॉक्टर साहब का ट्वेल है यहाँ, जो बीरेंद्र पाल सिंह का भी इसमें फोटो है उसका, हाँ आपको हम दिखा देंगे। तो उसमें जो साहब वो बैठा रहा रात भर, लोग ट्वेल चलान तो आई नहीं रहे, सुबह उनसे अवगत कराया लोग आगे ने कि आप चौकस रहना, आपके ट्वेल पे जो बड़ा वाला गुलदार है जो आदमखोर है ग्राम वालों को, उसका वही लग रहा है कि वही है, और उसका चेहरा इतना भयानक है जब प्रशासन पकड़ेगा तब दिखेगा वो कितना भयानक है। अर्जुन सिंह, कहाँ के रहने? जलालपुर भोड़। अच्छा, मैंने देखा था उस दिन पीला गुलदार था जिसने हमला करा, हम 4 आदमियों को झपटा हुआ। अच्छा, लड़का जा रहा था उसे रास्ते में घेर लिया, हम 4 आदमी भागे, मेरा भाई था, मैं था, दो औरतें, हमने उसकी लड़कों देखा तो एक में ऐसा था वो। अच्छा। हमारे लड़कों देख कर वो ऐसा आया भाग कर घुर रहा, हमने बंछी डंडा देखा पिछू हट गया, फिर उसने 1-2 घंटे के बाद जाकर मंदिर पे एक हमारे गांव की महिला थी उस पर हमला करा। अच्छा। फिर सब गांव वालों सड़क पे देखा, उसे सड़क पार करी उसने, सब वन विभाग वाली टीम भी आ गई थी, हमने उसे एक में घेर लिया,
दो तीन घंटे ड्रोन भी उड़ा, वो नहीं मिला। अच्छा। और ये परसों हमारे घर के आगे बैल बंद रहते, शाम के टाइम बैल पे झपटा मारा उसने, फिर हम गन्ने के खेत में गए, टीम भी आई, इतना निकल गया वो। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामेश है। कहाँ के हो रहा है? निकल बोर्ड के, जलालपुर बोर्ड के। तो अभी जैसे ये पकड़ा गया आज, तो इससे कुछ भय कम हुआ या नहीं? भय हुआ तो कम था, इसका यूज तो पता नहीं चल रहा कि कहीं और से ला के पिंजरे में ला ला के यहीं दिखा रहे होंगे, अरे हम उससे पकड़ रहे हैं, उससे पकड़ रहे हैं, इसका इसीलिए एकदम पकड़ा जा और उसके फोटो वोटो लिए जा सहयोग कर, अब तो पता भी चला, हमें क्या बता रहा दोनों ला के कहीं से और आगे पिंजरा रख जाओ। तो बताओ, पिंजरा तो आपके गाँव में लगा हुआ था और टीम भी आई, हुआ नहीं था पिंजरा, यहाँ से हुआ नहीं था पिंजरा, इधर लगा हुआ था, कल लगाया था पिंजरा, वो नया था, एक नसीर का बता रहा था दर्जी। अच्छा। कि उसके सामने कल लगाया था दोपहर। तो ऐसे आपको क्या लग रहा है कि वन विभाग की टीम बाहर से ला गए हैं पिंजरा? अरे ऊपर से दबिश पड़ रही है ना, अब दिखाने मारो अपना प्रशासन रुकाएगा, भाई तुम कुछ कर नहीं रहे, अब कहीं से और से पकड़ कर लाए, बिजनौर से लिया है, ला कर पिंजरा दिखा दिया, हमने हंसी पकड़ा, उनकी भी तरक्की हो। तो अभी विश्वास नहीं हो पा रहा मतलब आपको, आपके गाँव का वही कहना है की वही चिन्हित होंगे, कितने कम हुए, घूम फिर वही बात आ रही, इन्होंने ड्रोन नहीं उड़ाए सर, पिंजरे का कैमरा लगा दे, मैं उसमें सब दिखा किस टाइम बड़ा किस टाइम कैद हुए हो, और फिर दिखा गाँव वालों को ना पकड़ा। अब ऐसे तो आदमी डर रहे हैं कि हो सकता है कहीं और से ला के दिखा दिया हो, जब दिखाते नहीं किसी को, चुप चुप। तो अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा कि वन विभाग ने आज से पकड़ा? आपको विश्वास तो करना पड़ेगा, विश्वास नहीं करने की वन विभाग की टीम आपके यहाँ काम कर रही है, आप भी देख रहे होंगे कैसा काम कर रहे हैं वो लोग, बेचारे मेहनत कर रहे हैं, घर छोड़ो पड़े हैं, यहाँ टीम सही काम कर रही है, पर कुछ हम तो नहीं कह रहे, बाकी वो लोग बाग जो ऐसे करते हैं कि ऐसे कर, ऐसे तो नहीं कर सकते वे, गुलदार ही इतने होंगे साहब, एक दो पकड़ कर तो कुछ होना नहीं, अगर वे दस भी पकड़ ले तो सर प्रशासन ये समझ ले के कुछ नहीं होना। हाँ भाई मेहनत कर रहे हैं, उनको क्या संख्या में गुलदार, बहुत भारी संख्या में गुलदार, ड्रोन कैमरे लगाए जाए, ड्रोन उड़ाने वाले बढ़िया वाले ड्रोन कैमरे तो है, जो बहराइच वाले हम उनकी बार बार डिमांड कर रहे हैं, मंत्री जी से भी हमने यही कहा था कि आदरणीय मंत्री जी जब तक यहाँ चिन्हित नहीं होने के कितने गुलदार है, तब तक क्या पता चला कितने पकड़ेगा, वही सवाल आएगा सब जगह। अभी अभी मतलब जो इनके पास जो ड्रोन कैमरे हैं उसमें साफ तस्वीर, उसमें जब ये लाते हैं इन्होंने हमने दिखाया वहाँ, मैं कह रहे हैं इसमें बेल बेल कटेगी, मैंने साहब किसान नहीं जाने का खेत में, चाहे आप कुछ भी कर लो, तो वही थर्मोसिस कैमरा चाह रहे हैं हम, हमारी ये डिमांड मंत्री जी से थी, यही सर आपके द्वारा कि आप भी और जो मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे कि ग्रामीण इतने भय में हैं कि साहब इसका आने वाले टाइम में परिणाम दिखेगा, बहुत भयानक स्थिति है, टीम और बढ़ाई जाए, छोटे बच्चे तो जा नहीं रहे कॉलेज, आप देख लो जाकर हायर लगवाओ कॉलेजों में, जाकर स्कूलों में देखो हायर नहीं लग रही। अच्छा, जैसे वन विभाग की टीम यहाँ आपके गांव में मुस्तैद लगी हुई है, आप लोग भी कुछ सहयोग करते हैं? बिल्कुल पूरा सहयोग करते हैं, सहयोग करते हैं, हम उनके साथ लेकर पंछी बल्लम में पड़ गए थे, तुरंत फोन करते हैं। अच्छा। और जो वे बतलाते हैं जो दो चार चिन्हित जो यहाँ पर लाइसेंस है, हम उनके साथ जो बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, अब भी हमारा हमने सुबह गुलदार को उठवाया था, यहाँ देखो मेरा मैं निशान दिखाऊंगा, यहाँ रगस लगी, उसने जो झपाटा सन्दर मारा, एक वन कर्मी के भी पैर में उसके चोट आई है, वो भी आप देख लेना। तो हम इससे ज्यादा और मेहनत क्या कर रहे बताओ, ग्रामीण आदमी उसे लदवा रहे हैं, चाह रहे हैं कि इससे इससे मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, कृषि क्षेत्र टीम पूरा काम कर रही, हम भी अपना पूरा काम कर रहे हैं, हम भी उन्हें मतलब साथ खड़े हुए, बिल्कुल अभी दिखाई देंगे, हम फोन करेंगे, वे आ रहे हैं। आपका क्या नाम सर? मेरा नाम जयध्वज सिंह है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। टीचर हो? नहीं, मैं फाइनेंस सेक्टर में हूँ। अच्छा अच्छा तो इस रोड पर कोई आना जाना होगा? हाँ, इसी रोड को आना जाना है। के रहने वाले हो? जी हाँ। तो कैसा है मतलब गुलदार को लेकर आप? देखो गुलदार को लेकर ओपिनियन ये है कि जो इस रोड से गुजरने वाले ग्रामीण है वे अपनी जान हथेली पर रख कर गुजरते हैं, क्योंकि अगर कहीं से बैकअप भी आएगा तो ह्यूमन लाइफ कितना, 30 सेकंड? जी जी जी, 30 सेकंड या 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर कोई बैकअप नहीं आ सकता, केवल अपना जीवन रिस्क पर लेकर चलता है इस रोड पर ग्रामीण। तो भी क्या होना चाहिए आपके? होना ये चाहिए कि देखो टीम भी लगी हुई है वैसे, देखो तो मानव और आपके जानवर दोनों के पर्टिकुलर अपने अपने एरिया होते हैं, तो जो हमारे एनिमल्स है वाइल्ड लाइफ के, उन्हें उनके रिजर्व एरिया में पहुंचाया जाए, और जो ह्यूमन हाँ वे जो अपने एरिया में रहते हैं, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में तो केवल ह्यूमन का ही रहने के लिए लाइबल है ना, जी, 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 जी। वो अपने क्षेत्र में रहें, और जो ये वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं इन्हें ये हमारी अमानगढ़ रेंज है उसमें पहुंचाया जाए, इस एरिया को जो वन्य जीव से मुक्त किया जाए। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रामीण है उनसे हमने बातचीत की, पिंजरे की भी हमने स्थिति आपको दिखाई, एक पिंजरे के अंदर आज गुलदार भी कैद हुआ है इसी गाँव से। तो बने रहिए बिजनौर टीवी के साथ, यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, मिलते हैं जल्दी नए अपडेट लेकर नए वीडियो में। जय हिंद।